मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल स्टडीज क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू रीडिंग ऑफ चैप्टर 12, हेल्दी लिविंग, रोल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग आवर चैप्टर मॉडर्न ट्रीटमेंट, न्यू मेडिसिंस. द डिस्कवरी ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेडिसिंस हेल्प्ड मैन अगेंस्ट इलनेस. न्यू इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेडिसिंस की डिस्कवरी ने ह्यूमन बींग को हेल्प किया सो टू फाइट अगेंस्ट इलनेस. द डिस्कवरी ऑफ कुनीन हेल्प टू इरेडिकेट मलेरिया. कुनीन की जब डिस्कवरी हुई, दिस इज नेम ऑफ अ मेडिसिन, इससे मलेरिया से हम ह्यूमन बींग्स को रिलीफ मिला. यूकेलिप्टस कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा. बिकॉज ऑफ यूकेलिप्टस, जो इन्फ्लुएंजा नाम की डिजीज़ जो स्प्रेड होती थी वो कंट्रोल में आ गई. द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेंसिलिन कंट्रोल मैनी बैक्टीरियल डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस. जब डिस्कवरी हुई एंटीबायोटिक की लाइक पेनिसिलिन, इससे क्या कंट्रोल आया? मैनी टाइप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, और उसका एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग. सी हियर, दिस इज़ पिक्चर ऑफ सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग. इन्होंने पेनिसिलिन नाम की मेडिसिन निकाली थी. इन एंशियंट टाइम्स थाउजेंड ऑफ पीपल यूज टू डाई बिकॉज ऑफ दीज डेडली डिजीज. ये डिजीज़ इतनी ज़्यादा डेंजरस थी कि पहले जब लोग थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन्हीं डिजीज़ के कारण सर्वाइव नहीं कर पाते थे एंड दे यूज टू डाई. डेवलपमेंट इन सर्जरी. सर्जरी मीन्स रिपेयर, रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज पार्ट और ऑर्गन ऑफ द बॉडी. सर्जरी का मीनिंग होता है रिपेयर करना, रिमूव और रिप्लेस करना किसी भी डैमेज पार्ट की जो हमारी बॉडी में है. सर्जरी वॉज प्रैक्टिस्ड इवन इन एंशियंट टाइम्स इन इंडिया. इंडिया में सर्जरी बहुत ही पुराने टाइम से प्रैक्टिस करी जा रही है. नाउ डेज इट इज़ पॉसिबल टू ऑपरेट अपॉन एवरी पार्ट ऑफ अ बॉडी. नाउ डेज बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंस, हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट पे ऑपरेट किया जा सकता है. द वाइटल पार्ट्स लाइक किडनी, लीवर, ब्रेन एंड हार्ट कैन बी सक्सेसफुली ऑपरेटेड अपॉन. जो बहुत ही वाइटल पार्ट्स होते हैं बॉडी के, लाइक किडनी, लीवर, ब्रेन और हार्ट, इनमें भी ईजिली ऑपरेट किया जा सकता है. डैमेज पार्ट्स कैन बी ईजिली रिप्लेस. जो डैमेज पार्ट्स हैं उनको ईजिली रिप्लेस किया जाता है. दिस हैज़ हेल्प इन मेकिंग लाइफ मोर कम्फर्टेबल फॉर सिक पर्सन. एंड बिकॉज ऑफ डैट, जो सिक पर्सन हैं उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल हो गई है. सर्जरी इज़ परफॉर्म बाई अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर कॉल्ड सर्जन. सर्जरी जो परफॉर्म करते हैं वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, और जिन्हें क्या बोला जाता है? सर्जन. नाउ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. एज वी हैव रीड कि प्रिवेंशन क्योर से बेटर होता है. अगर हम पहले से प्रिकॉशंस लेंगे तो वो क्योर से बेटर है कि हमें मेडिसिंस नहीं लेनी पड़ेगी. ये एक ओल्ड सेइंग है. टुडे द साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड प्रिवेंटिव मेडिसिंस एंड वैक्सीन्स. और नाउ डेज अब क्या है कि साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने डिफरेंट मेडिसिंस और वैक्सीन्स निकाली हैं सो दैट किसी भी इलनेस से पहले हम उसे प्रिवेंट कर सकें. मिलियंस ऑफ लाइव्स हैव बीन सेव्ड विद द हेल्प ऑफ दीज मेडिसिंस. बहुत मिलियंस ऑफ लाइव्स को सेव किया गया है बिकॉज ऑफ दीज मेडिसिंस. लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट देम. प्रिवेंशन ऑफ डिजीज थ्रू वैक्सीनेशन. अबाउट 200 ईयर्स अगो पहले डॉक्टर एडवर्ड जेनर, सी दिस इज पिक्चर ऑफ डॉक्टर एडवर्ड जेनर, वो प्रैक्टिस करते थे एक स्मॉल टाउन में, इन इंग्लैंड के एक स्मॉल टाउन में. स्मॉल पॉक्स एट दैट टाइम वॉज अ कॉमन डिजीज. स्मॉल पॉक्स उस टाइम पे एक कॉमन डिजीज थी. हिज पेशेंट इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. और उनके पेशेंट्स सभी तरह के लोग थे. स्मॉल पॉक्स कुड स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जो स्मॉल पॉक्स है वो ईजिली स्प्रेड हो जाती थी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. डॉक्टर जेनर डेवलप्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर स्मॉल पॉक्स. डॉक्टर जेनर ने मेडिसिन निकाली थी टू प्रिवेंट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स. इट इज़ नॉट कॉल्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, और इसे अब बोला जाता है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन. एवरी यंग चाइल्ड इज़ वैक्सीनेटेड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स. सभी छोटे बच्चों को स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीनेट किया जाता है. मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स. वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो फ्री हो चुके हैं फ्रॉम स्मॉल पॉक्स. न्यू वैक्सीन्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर डिजीज लाइक
कोलेरा, प्लेग, पोलियो, कफ, टेटनस एंड ट्यूबरक्लोसिस और बहुत सारी मेडिसिंस निकली हैं या डेवलप करी गई हैं फॉर डिजीज़ लाइक कोलेरा, प्लेग, पोलियो, कफ, टेटनस एज वेल एज ट्यूबरक्लोसिस. प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज थ्रू पेस्चराइजेशन. मैनी डिजीजेज आर कॉज बाई जर्म्स. बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो जर्म्स के कारण स्प्रेड होती हैं. लुईस पास्टर, अ फ्रेंच साइंटिस्ट, सी दिस इज पिक्चर ऑफ लुईस पास्टर, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ऑब्जर्व डैट सच जर्म्स गेट किल्ड एट हाई टेम्परेचर. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इस तरह के जर्म्स होते हैं अगर उन्हें हाई टेम्परेचर में रखा जाए तो वो किल हो जाते हैं. दीज जर्म्स एंटर आर बॉडी थ्रू वाटर, एयर, मिल्क एंड अदर बेवरेज. उन्होंने ये नोटिस किया था कि जो ये जर्म्स हैं ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू वाटर, एयर, मिल्क एंड अदर बेवरेज. जर्म्स कैन बी किल्ड बाय बॉइलिंग वाटर एंड मिल्क. उन्होंने नोटिस किया कि जो जर्म्स हैं उन्हें हम किल कर सकते हैं बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड मिल्क. बॉइल्ड वाटर एंड मिल्क इज़ गुड फॉर स्मॉल बेबीज एंड सिक पर्सन्स. एज वी ऑल नो कि जो बॉइल्ड वाटर और मिल्क होता है वो स्मॉल बेबीज और सिक पर्सन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है. द टेक्निक ऑफ किलिंग जर्म्स, जर्म्स को किल करने की टेक्निक बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पेस्चराइजेशन. मैनी केमिकल्स लाइक DDT हैव बीन डेवलप्ड फॉर किलिंग जर्म्स. बहुत सारे केमिकल्स लाइक DDT, इन सबको डेवलप किया गया था जर्म्स को किल करने के लिए एज वेल एज मॉस्किटोज की भी. डू यू नो लुईस पास्टर ऑल्सो इन्वेंटेड द वैक्सीन ऑफ डॉग बाइट्स. डॉग बाइट्स की जो मेडिसिन होती है वो भी लुईस पास्टर ने ही इन्वेंट की थी. यूज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म, जेम्स सिम्पसन इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म इन मेडिसिन. जो जेम्स सिम्पसन थे उन्होंने क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया था मेडिसिन में, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था क्लोरोफॉर्म को मेडिसिन में. इट इज़ यूज टू मेक अ पर्सन अनकॉन्शियस. ये पर्सन को अनकॉन्शियस करने में यूज़ होता है. बिफोर एन ऑपरेशन अ पर्सन इज़ मेड अनकॉन्शियस. ऑपरेशन से पहले हम सभी को पता है कि जो भी जिस भी पर्सन का ऑपरेट होता है उन्हें अनकॉन्शियस को कर दिया जाता है सो डैट ही डज नॉट फील पेन, ताकि उनको पेन फील ना हो. विथ द डिस्कवरी ऑफ क्लोरोफॉर्म सर्जिकल पेन वॉज रिड्यूस्ड. क्लोरोफॉर्म की जब डिस्कवरी हुई उससे क्या बेनिफिट हुआ कि जो सर्जिकल पेन है, सर्जरी से होने वाली जो पेन है वो रिड्यूस्ड हो गई. बट हाफ ऑफ द पेशेंट्स डाइड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ वुंड्स बाय जर्म्स. बट क्या होता था कि जो पेशेंट्स थे, हाफ ऑफ द पेशेंट यूज टू डाई बिकॉज ऑफ जो इन्फेक्शन था, वुंड से जो इन्फेक्शन हो जाते थे, वुंड्स में जो जर्म्स से इन्फेक्शन हो जाते थे उससे लोग मारे जाते थे. जोसेफ लिस्टर फाउंड डैट कार्बोलिक एसिड कैन बी यूज्ड इन ऑपरेशन थिएटर्स टू किल जर्म्स. तो जॉन लिस्टर जो थे उन्होंने कार्बोलिक एसिड का यूज़ करना शुरू किया ऑपरेशन थिएटर्स में जर्म्स को किल करने के लिए. कार्बोलिक एसिड डिड नॉट इंजर एनी बॉडी टिश्यूज़ ऑल्सो. जो कार्बोलिक एसिड था उससे बॉडी की जो टिश्यूज़ हैं उनको इंजरी नहीं होती थी. ही ऑल्सो स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स. और उन्होंने ही प्रैक्टिस करना शुरू किया था स्टरलाइजेशन का. जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पेशेंट्स पे यूज़ होते थे उनको पहले वो स्टरलाइज करते थे. ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स आर क्लीन्ड इन बॉइलिंग वाटर टू मेक देम फ्री फ्रॉम जर्म्स. स्टरलाइजेशन में इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन किया जाता है बॉइलिंग वाटर में सो डैट उनमें कोई भी जर्म्स ना रहे. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बेसिक हेल्थ केयर, ऑल ऑफ अस मस्ट वर्क अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज. हम सभी को वर्क करना चाहिए अगेंस्ट स्प्रेड ऑफ डिजीजेज. फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस. और हमें क्या फॉलो करना चाहिए इन इंस्ट्रक्शंस को? कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन. हमें अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए. ईट क्लीन एंड न्यूट्रिशियस फूड. हमें क्लीन और न्यूट्रिशियस फूड ही कंज्यूम करना चाहिए. डू सम एक्सरसाइज रेगुलरली. हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए. ड्रिंक वाटर दैट इज़ क्लीन. हमें बिल्कुल क्लीन वाटर को ही कंज्यूम करना चाहिए. कीप द ड्रेनेज सिस्टम फ्री फ्रॉम जर्म्स. जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम है उसे हमें जर्म्स फ्री रखना चाहिए. प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कैन हेल्प अस इन दिस वर्क. जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं सभी सिटीज़ में वो हमारी इस वर्क में हेल्प कर सकते हैं. देयर शुड बी रेगुलर प्रोग्राम्स ऑन रेडियो एंड TV ऑन गुड हेल्थ हैबिट्स. और रेगुलर हेल्थ प्रोग्राम्स
होने चाहिए रेडियो और टीवी पे फॉर गुड हेल्थ हैबिट्स पे. सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू मेडिसिंस. न्यू मेडिसिंस की इम्पोर्टेंस क्या है? द न्यू डेवलपमेंट्स इन मेडिसिंस एंड सर्जरी हैव इम्प्रूव्ड द जनरल हेल्थ ऑफ पीपल. जो न्यू मेडिसिंस और सर्जरी में डेवलपमेंट हुई है, इससे क्या हुआ है? जो जनरल हेल्थ ऑफ पीपल है वो इम्प्रूव हुआ है. नाउ वी लिव लॉन्गर. अब हम लोग ज़्यादा सर्वाइव करते हैं. द डेथ रेट हैज़ फॉलन. जो डेथ रेट है वो डिक्रीज हुआ है. बट देयर इज़ नो चेंज इन बर्थ रेट. बट जो बर्थ रेट था वो एज इट इज़ है. दिस लीड टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन. इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है. द टोटल पॉपुलेशन ऑफ आर कंट्री इज़ नाउ मोर देन 100 crores. जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की वो अब मोर देन 100 crores हो चुकी है. दिस इज़ मोर देन डबल ऑफ वॉट इट वॉज एट द टाइम ऑफ आर इंडिपेंडेंस. और ये ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है जितनी हमारी कंट्री में क्या था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे पॉपुलेशन थी, उससे मोर डबल हो चुकी है. ऑलमोस्ट इवन मोर देन डबल हो चुका है अब तक तो. दिस हैज़ क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स इन आर कंट्री. और बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी है हमारी कंट्री में. वी मस्ट फॉलो द स्मॉल फैमिली नॉर्म्स टू कीप द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल. और हमें स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, स्मॉल फैमिली के जो रूल्स होते हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए सो दैट पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स टुडे वी हैव कंप्लीटेड रीडिंग ऑफ चैप्टर 12 हेल्दी लिविंग. यू हैव टू फाइंड आउट बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. Okay, students, thank you and goodbye.